नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Samsung Galaxy A23 वर्सेस Xiaomi Redmi Note 10T का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Galaxy A23 में 6.51 इंच जबकि Note 10T में 6.37 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि Galaxy A23 से कम है। विड्थ की बात करें तो Galaxy A23 में 3.03 इंच जबकि Note 10T में 2.96 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि Galaxy A23 से कम है। बात करें थिकनेस की तो Galaxy A23 में 0.33 इंच जबकि Note 10T में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि Galaxy A23 से ज्यादा है। अब बात करते हैं वेट की तो Galaxy A23 में 195 ग्राम जबकि Note 10T में 190 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Galaxy A23 में TFT LCD जबकि Note 10T में IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Galaxy A23 में 6.6 इंचेस जबकि Note 10T में 6.5 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Galaxy A23 में 1080x2408 और Note 10T में 1080x2400 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Galaxy A23 में 82.68% जबकि Note 10T में 83.72% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Galaxy A23 में 400 पिक्सल प्रति इंच जबकि Note 10T में 405 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Galaxy A23 में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Note 10T की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो Galaxy A23 में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और Note 10T की बात करें तो उसमें 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Galaxy A23 में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं, और Note 10T में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Galaxy A23 में Adreno 610 जबकि Note 10T में Mali-G 57 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Galaxy A23 में Qualcomm Snapdragon 680 और Note 10T में MediaTek Dimensity 700MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Galaxy A23 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 8GB की RAM मिलती है, जबकि Note 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB 6GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Galaxy A23 में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Note 10T में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB 128GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी की बात करें तो Galaxy A23 में अप टू 1TB जबकि Note 10T में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो Galaxy A23 में Android V12 जबकि Note 10T में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Galaxy A23 में 3 कलर्स जबकि Note 10T में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो गैलेक्सी A23 में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹19,499, 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹20,999 में मिल जाता है। वही अगर बात करें नोट 10T की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 4 GB रैम 64 GB स्टोरेज के साथ ₹14,499, 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ ₹18,750 में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की, तो दोनों फोन में 7 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में नोट 10T आगे है, मेन कैमरा में गैलेक्सी A23 आगे है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में नोट 10T आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी F41 है, दूसरा शाओमी रेडमी नोट 10S है, तीसरा शाओमी पोको M3 Pro 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें ओप्पो A54 है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।